एक बात तो है, पेट्रोल पंप का बिजनेस बहुत ही फायदेमंद है और लोग इससे लाख रुपए कमा भी रहे हैं। इसका रीजन बिल्कुल ही साफ है कि रोड पे दिन ब दिन गाड़ियां बहुत बढ़ती जा रही है, लोग थोड़ी दूर जाने के लिए गाड़ियां यूज करने लग गए हैं। इसके अलावा ओला उबर जैसी कंपनीज ने भी होर मचा के रखा हुआ है, गाड़ी इतने ज्यादा रोड पे छोड़ दिए हैं जिस सब वजह से डीजल एंड पेट्रोल का बहुत ज्यादा डिमांड होने लग गया है और पेट्रोल पंप वालों की चांदी चांदी हो गई है। आपने देखा ही होगा कि अक्सर ही पेट्रोल पंप पे भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, लोग घंटों भर लाइन में लगे रहते हैं। ऐसे में आपके भी दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि आखिर पेट्रोल पंप कैसे खोलें ताकि हम भी लाखों रुपए कमाएं। तो चलो आज स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, वो भी बिल्कुल ही सरल लैंग्वेज में जिसको समझने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए इसका लाइसेंस पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी OMC से लेना जरूरी है, जिसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड HPCL, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, एसर ऑयल लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भी कई कंपनियां इसमें शामिल हैं। अब चलो एक एक स्टेप समझते हैं। नंबर वन, पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए क्या नियम और शर्तें हैं? तो देखो, आवेदक का उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 55 साल होना चाहिए। इंडियन सिटीजनशिप होना जरूरी है और अगर NRI है तो इंडिया में 182 दिनों से ज्यादा रहना जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10वीं का मार्कशीट लगेगा। एजुकेशन की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 12th पास होना जरूरी है, वहीं SC ST OBC के लिए 10th पास होना जरूरी है। सिटीज इलाके में आवेदक का ग्रेजुएट होना जरूरी है। CC2 कैटेगरी के तहत फ्रीडम फाइटर्स की न्यूनतम शिक्षा की योग्यता शर्तें लागू नहीं होती है और सबसे मेन, उस क्षेत्र को ब्लैक लिस्टेड और बहिष्कृत क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। सेकेंड, अब बात करते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे जरूरी है, कितना रोकड़ा लगेगा। तो देखो, रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदक को कम से कम 15 से 20 लाख रुपए जरूरी है और अर्बन एरियाज में पेट्रोल पंप खोलने के लिए कम से कम 30 से 35 लाख रुपए चाहिए। और अगर खुद की जमीन है तो कैश यानी कि नकदी और गहना यानी कि ज्वेलरी, इसके अलावा पेट्रोल पंप खोलने के लिए फंड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैंक डिपॉजिट, ब्रांड एंड शेयर, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, डाक योजना यानी कि पोस्टल स्कीम, बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड ब्रांड एंड शेयरों के लिए केवल 60% मूल्य को माना जाएगा। तीसरा, पेट्रोल पंप के लिए जमीन चाहिए होगी, तो वो कैसे करें, कहां से आएगा? तो आवेदक के पास अपने नाम पे जमीन होनी चाहिए या ऐसे क्षेत्र में जहां जमीन को लंबे टाइम तक के लिए लीज पर लिया जा सके। रिटेल आउटलेट दो प्रकार के होते हैं, जिसे कुछ ऐसे लोकेशन पे खोला जाना चाहिए जैसे रेगुलर रिटेल आउटलेट यानी कि नेशनल या स्टेट हाईवे पे जो अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज में हो, और रूरल रिटेल आउटलेट। पेट्रोल पंप खोलने के लिए आइडियली 800 स्क्वायर मीटर से 1200 स्क्वायर मीटर सुटेबल होता है। चौथा, अब चलो फीस एंड चार्जेस जान लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस फीस। 16 किलोलीटर की कैपेसिटी वाले हाई स्पीड डीजल BDC रिटेल आउटलेट के लिए मोटर स्पिरिट की कीमत 18 रुपए किलोलीटर होगी और 41 किलोलीटर की कैपेसिटी वाले हाई स्पीड डीजल ABCC रिटेल आउटलेट के लिए मोटर स्पिरिट की कीमत 48 रुपीज किलोलीटर होगी। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फीस। रेगुलर रिटेल आउटलेट के लिए आवेदक को 1000 रुपए की एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी और रिटेल आउटलेट के लिए 100 रुपए। वहीं SC ST OBC के लिए एप्लीकेशन फीस पर 50% की छूट दी जाती है। इसके बाद आता है फिक्स फीस, जो इतना आपको देना जरूरी ही होगा। तो देखो, कोई आवेदक उसी पर्पस के लिए अगर संबंधित क्षेत्र में जमीन का मालिक है तो उसे रेगुलर रिटेल आउटलेट के लिए 15 लाख रुपए और ग्रामीण रिटेल आउटलेट के लिए 5 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। कंपनी से डीलरशिप के लिए आवेदक को ग्रामीण स्थल यानी कि रूरल साइट के लिए 10 लाख रुपए और रेगुलर साइट के लिए 30 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। एक बात याद रखें कि एप्लीकेशन फिक्स्ड एंड लाइसेंस फीस वापस नहीं होती है। पांचवा, पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए आवेदन कैसे करें? तो देखो, लीडिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनियां OMC देश के अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगहों पर पेट्रोल पंप सेटअप करने के लिए न्यूज़पेपर या ऑनलाइन तरीके से एडवर्टाइजमेंट करती रहती है। तो जब भी कभी ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आता है तो आप अपना नेक इरादा OMC को बता सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप इनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, बहुत सारे वे हैं। और हाँ, अगर ऐसा होता है कि एक ही इलाके से बहुत सारे लोग ने पेट्रोल पंप ओपन करने के लिए अप्लाई कर दिया है तो ऐसे केसेस में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां लॉटरी निकालते हैं, बोली लगाते हैं, फिर विनर अनाउंस करते हैं। उसमें अगर आपका नाम आ गया तो फिर बल्ले बल्ले है। छठा, अब बात करते हैं सर्टिफिकेट एंड परमिशन पे। तो पेट्रोल पंप खोलने के लिए किसी भी आवेदक को बिना किसी परेशानी और टेंशन के अपने डीलरशिप को चलाने के लिए कुछ सर्टिफिकेट एंड परमिशन लेने की जरूरत होती है, जैसे कि स्थान का दस्तावेज यानी लोकेशन डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाइड होना चाहिए, लाइसेंस अथॉरिटी से NOC,
नगर निगम MCT और फायर सेफ्टी से अनुमति, सर्टिफिकेट एंड कंसर्न अथॉरिटी से NOC, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पेट्रोल पंप का बिजनेस फेल होगा या सक्सेस होगा ये लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है। पेट्रोल पंप बिजी नेशनल हाईवे पे होना चाहिए या स्टेट हाईवे पे होना चाहिए या रेजिडेंशियल एरियाज में होना चाहिए या पॉपुलर मार्केट भीड़ वाली जगह पे होना चाहिए या ऐसे रोड पे होना चाहिए जहां बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, हाई ट्रैफिक रहता है, जहां बहुत सारी गाड़ियां चलती है, तो फिर ऐसे जगहों पे ये बिजनेस चलने का चांसेस बढ़ जाता है। और फिर जब वो मौका आता है कि आपको लाइसेंस मिल गया तो आपको पेट्रोल पंप एंड ऑयल बंकर OMC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाना होगा। ये थी पेट्रोल पंप खोलने की पूरी जानकारी। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।